गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं नींबू शरबत। फर्स्ट रेसिपी और ये पीने में बहुत यम्मी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मैंने लिया है ग्लास, इसके अंदर है शुगर और लेमन। सो लेट्स मेक इट। सो फ्रेंड्स मैंने ले लिया है इसके अंदर वाटर। सो हम पहले क्या करेंगे, ये शुगर डिजोल्व होने के लिए हम इसे एक बाउल में ये कर देंगे, डिजोल्व कर देंगे। सो गाइस शुगर डिजोल्व हो गई है। सो फिर मैंने ग्लास के अंदर का ही पानी इसके अंदर डाला है, क्योंकि फिर मैंने ग्लास पूरा भर के रखा था और इसके अंदर और पानी डाल देती फिर ग्लास पूरा ओवरफ्लो हो जाता। सो इसलिए मैंने शुगर को डिजोल्व कर लिए। आप चाहे तो इसे गर्म पानी में डाल के, मतलब गर्म पानी और उसके ऊपर ये बाउल रख के डिजोल्व कर सकते हैं, पर ये तुरंत डिजोल्व नहीं हो रही थी इसलिए मैंने बेलन से मस्त इसकी कुटाई की और बनाई। सो स्टार्ट करते हैं। फिर हमें शुगर को थोड़ी देर और डिजोल्व हो जाएगी, तब तक इधर रख देते हैं और नींबू को फिर से धो लेते। मैं निकाल देती हूँ इस लेमन के अंदर के सीड्स, क्योंकि बार बार हमें इसे छनने से छनना पड़ेगा फिर से। आप देख सकते हैं मैंने इसे निकाल दिया। आपकी तरफ से स्क्वीज नहीं हो रहा होगा तो हमने क्या किया, ये देखो मैंने सीधे इसके अंदर लेमन डाल दिया। लेमन को पूरा टकल कर दिया मैंने, सही हो रहा है, कलर आ गया है। बस कर रहा है, करो नहीं क्या बोलते जाते हम डालेंगे ये मीठा पानी। इसके अंदर भी थोड़ी देर शुगर डाल दी, डिजोल्व कर लेते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर आप आइस भी ऐड कर सकती हो। ये होने के बाद हम ऐड करेंगे साल्ट, 2 मिनट। सो मैं लेके आ गई हूँ बेकिंग सोडा। कुछ ज़्यादा ही आ गया, चलो मैं थोड़ी देर कुछ ट्राई करती हूँ इसके साथ डालना भी क्या ट्राई कर। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मुझे और एक इंग्रेडिएंट ऐड करना है। ये साल्ट, ये आ गया है हमारा नमक। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं पता नहीं, जब उंगलियाँ डाल दी थी एक साथ, नहीं सब गंदा पाना नहीं करता।
छोटे बच्चे होते हैं It is very nice in this. If you try, come. Please comment in the comment box. तो के लिए भाई, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। बाय।